नोएडा की कोतवाली 142 इलाके में स्थित सेक्टर 138 के एक बंद गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बंद गोदाम में देर रात लगी आग को बुझाने दमकल कर्मी पहुंचे। ये आग सेक्टर 38 स्थित सोलर प्रिंट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड के 3 के गोदाम में देर रात लगी थी। गोदाम के बंद होने के कारण आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्राउंड फ्लोर का गेट तोड़कर फायर ब्रिगेड की टीमें गोदाम के अंदर प्रवेश किया और फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ी लगाकर आग को काबू पाया गया। मौके पर आग को बुझाने में जुटे चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना देर रात 1 बजे के करीब मिली थी। इसके तुरंत बाद कार्यवाही करते हुए फायर टेंडरों को मौके पर रवाना कर दिया गया। टीम के बने इस गोदाम के अंदर गद्दे रखे हुए थे जिनमें आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने ग्राउंड फ्लोर के गेट को तोड़कर गोदाम में अंदर घुसे और फिर फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ियां लगाकर आग पर काबू पाया गया। CFO ने बताया कि अग्निकांड में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।